हाय गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग की जय। तो आपको बोला था मैंने कि आज ठीक 8 बजे मैं लाइव आऊंगा। जस्ट वर्कआउट खत्म किया और यहाँ पे लाइव आया हूँ आज। अभी कमेंट सब बाद में देख लूंगा, आज कुछ मुद्दे वो पहले आप पुनः स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सज्जन ज्वाइन हो जाओ, पहले बात करेंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट वही जो कंट्रोवर्सी चल रही थी बहुत दिनों से, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सर सपोर्ट करो सपोर्ट करो। लेकिन पहले से ही मैं किसी कंट्रोवर्सी में कभी आता नहीं हूँ। मैं ही ऐसा नहीं, हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े प्लेयर है कभी वो कंट्रोवर्सी में आते नहीं है। ज़्यादातर किसी के ऊपर बात नहीं करते, अपना काम और अपनी बॉडी बिल्डिंग, बस इसके ऊपर ही उनका फोकस रहता है। लेकिन आज ये जब बात बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आई तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना वो तो कुछ दिनों का गेम नहीं है, वो बहुत तपश्चर्या है, बहुत बड़ी तपश्चर्या है। सिर्फ 5 साल 6 साल 7 साल देने के बाद एक हमारा जो प्लेयर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचता है। और 25 साल से मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, ऊपर नीचे पैर खींचने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, और वहाँ से आगे जाने के बाद फिर फेडरेशन के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इतना सब होने के बाद एक बॉडी बिल्डर बनता है। हमारे देश की आबादी कितनी है? वर्ल्ड में सबसे टॉप लेवल पे, मतलब सेकंड नंबर पे हम है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन के अंदर एक मिस्टर वर्ल्ड बनता है, एक मिस्टर एशिया बनता है, एक अमेच्योर ओलंपिया बनता है, एक ही मिस्टर इंडिया बनता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल गेम नहीं है। डॉक्टर्स बहुत सारे बन जाते हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारा जो प्रो बॉडी बिल्डर है, ओलंपिया हो, अमेच्योर ओलंपिया हो, मिस्टर एशिया हो, वर्ल्ड हो, वो एक ही बनता है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। अगर ऐसे ही आयरा गैरा कोई बॉडी बिल्डर बनता ना तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर बन जाते। तो इसके लिए आज यहाँ पे लाइव आया हूँ दोस्तों। एक तो वो चीज़ चड्डी, तेल और स्टेज, और चौथी चीज है वो अवकात। ये मैंने सुन सुन के और देख देख के परेशान हो गया, बुरा लग रहा था अंदर से। मुझे कहना था लेकिन मुझे क्या हो रहा है वो एक्चुअली मालूम नहीं था। लेकिन आज टाइम मिला मुझे, दिन भर का शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। सैटरडे संडे आने का एक्चुअली प्लान था लेकिन थोड़ा काम निकलने की वजह से उस टाइम पे आया नहीं, आज आया हूँ। तो पहले जो बात है ना, हमारी बॉडी बिल्डिंग
और बॉडी बिल्डर के औकात उसके ऊपर बोलता हूं। बॉडी बिल्डर जो है ना उसकी औकात इतनी बड़ी है कि उसके कंपेयर में कोई नहीं जा सकता। अगर वो 1,000 करोड़ भी कमा रहा है ना, वो भी उसकी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा छोटा से छोटा बॉडी बिल्डर अगर लेंगे महीने का, वो 10-15,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी कमा रहा है। लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, कंपटीशन की बात आती है, तो वो किधर से भी पूरा इंतजाम करता है और महीने का 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्चा करके ऐसी 6-7 महीना तैयारी चलती है, तब जाके वो बॉडी बिल्डर बनता है। तो यह है बॉडी बिल्डर की औकात, मतलब औकात के बहुत आगे जाके वो अचीव करता है, ठीक है ना। और इसके आगे अगर जाके बात करूंगा ना, जो वो हमारे देश के बाहर जाता है ना, पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग देश आते हैं वहां पे, और वहां पे पूरी कॉम्पिटिशन होती है। और जब हमारा बॉडी बिल्डर वो जीतता है ना स्टेज पे, तो हमारा वो तिरंगा लेके हाथ में खड़ा होता है और उसी सारे देश के, दुनिया भर के सारे देश के सामने हमारा तिरंगा लहराता है, तिरंगा बॉडी बिल्डर लहराता है। ये है औकात हमारे बॉडी बिल्डर की। ये हर किसी को पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अभी ये बात कर रहा हूं, मेरे बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहां पे वो राष्ट्रगीत बजता है ना, किसी दूसरे देश में जाके हमारे भारत का राष्ट्रगीत बजाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कोई भी नहीं कर सकता है, वो हमारा बॉडी बिल्डर करता है, स्पोर्ट्समैन करता है। तो दोस्तों इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे कुछ भाई बॉडी बिल्डर्स है, कुछ बहने बॉडी बिल्डर्स है, उनके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कॉल आए, उन्होंने मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा था। कोई थे 2-4 लुक्के लोग है, वो इतने गंदी तरीके से गाली दे रहे थे, वो मतलब मुझे वो पढ़ने पे भी शर्म आ रही थी। और ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। बॉडी बिल्डर को गाली देना इतना आसान नहीं है। वो क्या क्या स्ट्रगल करता है, क्या क्या सैक्रिफाई करता है ना, वो एक बॉडी बिल्डर ही बता सकता है आपको। गाली देके अभी जो जिन लोगों ने गाली दी है, क्या हो रहा है, इनको मैं बोलना चाहूंगा, हमारे बॉडी बिल्डर के सामने आके बात करो, फिर उसका आपको जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। कुछ फेक अकाउंट निकाल के वो कमेंट करके वो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी आप ध्यान रख लो, मैंने वो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा वो रियलाइज हुआ कि ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो बहुत ही नीचे के लेवल के हैं। मतलब क्या है, बहुत ही घटिया लेवल के लोग हैं, और उनकी उम्र भी मुझे लगता है कि 20-25 साल के आसपास उनकी होगी, कुछ मैच्योरिटी नहीं है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप जो ये कर रहे हो ना, ये बहुत गलत बात है। इसके ऊपर कंप्लेंट अगर हो गई साइबर क्राइम का, आपको कंप्लेंट कर दिए और पुलिस वालों ने आपको अगर पकड़ लिया, तो आपकी आगे की जो लाइफ है ना, आपको ना किधर जॉब मिलेगा, ना किधर वीजा मिलेगा, ना किधर घूम पाओगे। ऐसा मत करो, अपना जो काम हो, आपका पढ़ाई हो या फिर जो भी काम धंधा हो, नौकरी हो, उसके ऊपर ध्यान रखो और ऐसे ये फालतू के धंधे बंद कर दो, ठीक है ना। हमारी महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस किधर से भी रहेगी ना, वो ढूंढ निकालेगी। हमारे महाराष्ट्र का कायदा बहुत स्ट्रिक्ट है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मालूम है। जहां किधर भी आप छुपे रहेंगे ना, वो ढूंढ के निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों ऐसी गंदी चीज है ना, वापिस मत करो। और अगर करनी हो तो हमारे बॉडी बिल्डर के सामने आके आप बात करो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। ये सोशल मीडिया पे गाली देना बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार बॉडी बिल्डर के सामने आओ और आमने सामने बात करो, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात।
तीसरी बात पे हम लोग आते हैं, ये कोरोना के वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है ऑलरेडी पूरी दबी हुई है, हर कोई कैसे सरवाइव कर रहा है वो हर किसी को मालूम है, ठीक है ना। तो हर एक बंदा सप्लीमेंट और बाकी कुछ चीजों के लेके इतना बवाल हो रहा है और डर भी गए बेचारे, इनका सोर्स वही है। अभी क्या है, हर जन को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हर जन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जो बॉडी बिल्डर है वो बॉडी बिल्डर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे के सप्लीमेंट बेच के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में खड़े होके उसमें से पैसा वो जो मिलता है उसके ऊपर अपनी फैमिली और बॉडी बिल्डिंग ये सब चला रहे हैं। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद पूरे हमारे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर उंगली हो रही है, हर कोई ऐसे हमारे ऊपर उंगली करके बात कर रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी बॉडी बिल्डिंग जो है ना, अभी जो जो लोगों ने गाली दी है बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, बहुत सारे कुछ कमेंट किए हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स से 1980 से भी आप देखोगे ना तो वो टाइम से हमारे बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया जा रहा है, वहां से लेके आज मैं यहां बैठा हूं यहां तक, और इसके आगे भी बहुत सारा सफर तय करना है हमारे बॉडी बिल्डर्स को। अभी बहुत सारे लोगों ने वो मैंने पोस्ट डाला कि मैं लाइव आ रहा हूं, तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने किया कि सर आप आ जाओ, आप आने के बाद ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा, आप गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग हो, आप बादशाह हो। नहीं नहीं नहीं, बादशाह वगैरह मैं कुछ नहीं हूं, आपकी तरह मैं कॉमन मैन हूं, सिर्फ मैंने मेरे फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, ये सब कमाया हुआ है आपकी देन से। और जब मैं ये हो रहा है सब, ऐसी गंदी गंदी गालियां आ रही है हमारे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, उंगली हो रही है, तो इतना बुरा लग रहा था मुझे। और हमारे पुराने कितने तो बॉडी बिल्डर से उनको क्या लगा रहेगा कि तुम जहां पे तेल लगा के खड़े रहते हो वो स्टेज पे, अरे उस स्टेज का अपमान तुम क्यों कर रहे हो भाई, है ना। हमारे पहले की बॉडी बिल्डर्स प्रसाद कुमार, मोनन, बैजू, सुनील आपटेकर, हमारे महाराष्ट्र के बॉडी बिल्डर लेंगे तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, प्रकाश कोइंडे, श्याम राठे, अनिल राउत, ये लोग जब सुनते रहेंगे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी है, ये जब ये सुनेंगे तो उनको कैसे लगा रहेगा, देखो आप एक बार सोच लो। साहिल भी मेरा दोस्त है, मनोज भी मेरा दोस्त है, ठीक है ना। आपका पर्सनल मैटर था ना तो आप एक जगह पे आके वो मैटर सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन आप दोनों ने भी सोशल मीडिया पे आके पूरा जगह पे पूरा तमाशा खड़ा कर दिया, और फिर उंगली हर एक बॉडी बिल्डर के ऊपर और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर उठ गई। और ये जो मुद्दा था मनोज पाटिल और साहिल खान, वहां से हटके ये पूरा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आ गया। और फिर कुछ लोग बोलने लगे कि तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर एक ही नहीं है, तुम सब यूनिटी में नहीं रहते हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अच्छी तरीके से यूनिटी है हमारी, और बहुत अच्छी तरीके से प्लान भी किया हुआ है। लेकिन इन सब चीजों में एक बात अच्छी हो गई कि सब बॉडी बिल्डर कभी इंडिया के अंदर इतने बॉडी बिल्डर कभी भी एक साथ में नहीं आए, ये मेरी फेडरेशन, वो तेरी फेडरेशन, वो कंपटीशन का, वो कंपटीशन का, इसी चक्कर में सब लगे पड़े थे। लेकिन एक अच्छा लगा कि सब बॉडी बिल्डर एक साथ आ गए हैं और इस चीज को रोक रहे, रोकने की कोशिश कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे जाके मैं एक बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, मतलब संग्राम हो, सुनीत हो, महेंद्र हो, महेंद्र पगड़े हो, हमारा फिर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, इन लोगों के साथ बात भी हो गई है। और एक, हम कोई फेडरेशन नहीं करेंगे, कोई संगठन नहीं करेंगे, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है ना उसके लिए एक साथ यूनिटी में रहना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक और स्टेट से लेके नेशनल तक, इसका प्लान भी हो रहा है।
ठीक है ना। तो इसके आगे भाई बॉडी बिल्डर को गाली देना है ना तो इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा संभाल के बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। हमारा एक बॉडी बिल्डर है ना, कम से कम उसकी 4 या 5 हजार फॉलोअर्स होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो स्टेट या फिर नेशनल लेवल का अगर बॉडी बिल्डर हो तो उसके पीछे कितने लोग खड़े होंगे ये याद करो। और हमारे एक बॉडी बिल्डर भी 10 लोग भी अगर लाके खड़ा हो गया तो कितना बड़ा संघर्ष हो सकता है, या फिर जो आगे जो कुछ हो रहा है उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सोचो। और सभी मैं बॉडी बिल्डर से अपील करूंगा दोस्तों, हमारा बॉडी बिल्डिंग गेम अगर इंडिविजुअली है, पहले पॉसिबल था क्योंकि एक ही फेडरेशन थी, एक फेडरेशन के अंदर अपना अपना गेम करो, जो नंबर मिल रहा है ले लो और निकल जाओ। लेकिन आज के डेट में अलग अलग फेडरेशंस हो गई है, ठीक है ना। और यहां पे बॉडी बिल्डर को कोई इज्जत दी नहीं जाती है, मैंने भी बहुत बार देखा है, महसूस किया है। तो दोस्तों सिर्फ आज ये एक मुद्दे की वजह से आप सब साथ में आए हो, ठीक है ना। आगे जाके बहुत कुछ बॉडी बिल्डर के साथ हो सकता है, अगर ये रोकना है ना तो आपको एक साथ रहना है, और जो भी कुछ आगे चीज होगी ना उसके ऊपर आवाज उठाना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी यूनिटी के बारे में, ठीक है। और जिन लोगों को अगर लग रहा था ना कि हमारे महाराष्ट्र में एक ही नहीं है, तुम बॉडी बिल्डर एक साथ नहीं आते हो, उनके लिए मेरा आंसर था, ठीक है ना। जस्ट एक मिनट चालू कर दे। अभी मनोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मनोज की अगर बात करेंगे, वो प्रॉपर कोल्हापुर का है, मतलब मैं जिस गांव से हूं उसी गांव से वो भी है। बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। उसको कुछ प्रॉब्लम आया तो कभी मैं हेल्प करता हूं, बात करते हैं। तो मुझे मनोज को पूछना है, मनोज तुम मुझे दादा करके बुलाते हो, दादा मतलब भाई, बड़ा भाई, ठीक है ना। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे लगा नहीं क्या एक फोन करके मुझसे बात तो की जाए, है ना। अगर बात कर दे कि दादा मैं ऐसा करने जा रहा हूं, कुछ करो नहीं तो मैं ये कर लूंगा, अरे मैं भागते हुए वहां तक आ जाता मैं, है ना। मनोज ने किया है ना, उसके लिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बहुत गलत है। मनोज के लिए बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको आइडॉल मानते हैं। अगर ये चीज होती है तो फिर आने वाले बच्चे जो बॉडी बिल्डर से है, न्यू जनरेशन, वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगी, है ना। तो ये बिल्कुल भी गलत था, ये होना नहीं चाहिए था। और इसके आगे भी तुम ध्यान रखो मनोज, हम सब तुम्हारे साथ है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या फिर तुम्हारे फैमिली के कोई इशू हो, हम लोग सब तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। कभी भी कुछ भी लगेगा, हम पूरी यूनिटी के साथ तुम्हारे साथ। अभी जो आगे आने वाली कॉम्पिटिशन्स है उसके ऊपर फोकस करो और उसकी तैयारी करो, ठीक है ना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो साहिल के लिए भी है और मनोज के लिए भी है। उस चीज के ऊपर मैं बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो न्याय प्रविष्ट है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि चलो जो भी कितने दिनों से चल रहा था उसमें मुझे अंदर का पूरा कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये किधर तो अब ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। आप जब वीजा निकालने जाएगा ना, दोनों को आपको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है दोनों आप जो है बैठ के जो भी सब्जेक्ट है
वो उधर के उधर क्लोज होना चाहिए और वो एक कोर्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, मैटर बाहर के बाहर क्लोज कर देना चाहिए। इसके लिए चाहिए तो साहिल भी है इधर, मनोज भी, मुझे कॉल करके कभी भी बुलाओ, जो भी कुछ सब्जेक्ट है वो अपन क्लोज कर देंगे, ये मैटर इधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में साहिल को एक बात कहना चाहूंगा, पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि तुम्हारे वो जो वर्ड निकले ना वो बहुत ही गलत थे। जब तुमने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब घर आए थे तो वो टाइम पे भी मैंने सब्जेक्ट निकाला था, बोला ये सब्जेक्ट ऐसा बात नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो तुमने वो टाइम पे भी मुझे बोला था, बोला नहीं सुहास मैं बॉडी बिल्डर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग को बहुत तहे दिल से चाहता हूँ, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वैसा वो बात बोला था मैंने। मैंने वहां पे वो देख लिया, बोला चलो ठीक है। और वहां पे मुझे आपने बताया था कि मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये वापिस वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है? ये हर एक बॉडी बिल्डर का इंसल्ट हुआ है। तो मुझे लगता है साहिल, आप पूरे हमारे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी जो है ना उनकी, उनको सॉरी बोलना चाहिए आपको, और ये जो सब्जेक्ट है वहां यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। और इसके आगे भी, ये खत्म होने के बाद इसके आगे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर के बारे में कैसा बात करना है। आज के डेट में आपने देखा कि क्या हो गया, सब्जेक्ट किधर का था और ये किधर आ गया। बॉडी बिल्डिंग जो है ना, हम बॉडी बिल्डिंग पूछते माँ बाप के बाद में हम बॉडी बिल्डिंग का नाम लेते। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो पूरा माथा टेक के हम स्टेज पे चढ़ते, वो हमारे लिए एकदम पवित्र है। और ऐसी चीजें ना मैं नहीं, कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं सुन के लेगा। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी इंडिया की जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डर से सभी के लिए आप एक सॉरी का वर्ड डाल दो, एक वीडियो बनाओ और ये सब्जेक्ट इधर के इधर खत्म कर दो, ठीक है ना। अगर हर चीज जो है ना वो पैसे से होती ना तो नहीं होता कुछ। हर चीज अगर पैसे से होता तो वो जो नोट के ऊपर जो फोटो लगाई है ना, उस नोट के ऊपर फोटो जो है ना वो किसी बड़े आदमी की लगती, जो खरबोपति है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। अच्छा काम होना चाहिए, पीछे नाम होना चाहिए। उस नाम के लिए सर पे बॉडी बिल्डर है ना ये सब करता है, उसके आगे कुछ नहीं। तो इनको सपोर्ट करो, बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करो। हमारा अगर बॉडी बिल्डर नहीं है ना तो कोई ब्रांड नहीं है, समझ लो, आप सब भी समझ लो। अगर हमारा बॉडी बिल्डर नहीं है तो कोई ब्रांड नहीं है, हमारा ट्रेनर नहीं है तो कोई ब्रांड नहीं, कोई बेच नहीं पाएगा। आप देख लो, थोड़ा इसके ऊपर सोच लो। आप हमारा फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनर से लेके बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर तक हर एक से एक जुड़ा हुआ लोग, तो इसके लिए इन लोगों को नाराज करके कुछ मिलेगा नहीं। फिटनेस इंडस्ट्री जितना बड़ा है उतना छोटा है, आज ना कल, कल ना परसों, कभी ना कभी एक दूसरे को सामने आना है। इसके लिए ये मैटर यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बहुत सारे मुझे वीडियो के रिक्वेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को तो अपन, हाँ मी तेच म्हणतोय, हे जेवढं लवकर स्टॉप होईल तेवढे आपल्या बॉडी बिल्डिंग साठी आणि आपल्या फिटनेस इंडस्ट्री साठी चांगलं आहे। इथे रिक्वेस्ट खूप जणांच्या आले आहेत, आपण बघूया कोण कोण आहेत।
बहुत सारे रिक्वेस्ट आए यार, अभी ये ऐड करने का थोड़ा सा इशू है। चलो अभी इतने सारे को तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलो चलो एक बात अपन बात कर सकते हैं कि चलो साहिल खान ने जो मुद्दा उठाया ना कि फेक स्टेरॉइड, फेक मेडिसिन। चलो अगर साहिल ये हो रहा है ना तो इसके खिलाफ मैं भी हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे बवाल करके कुछ होने वाला नहीं। जहां पे वो बन रहा है, जहां पे वो बेचा जा रहा है, वहां पे पहले बंद करना पड़ेगा। इस चीज के लिए मैं भी तुम्हारे साथ में हूं, एमपी वो बाकी कौन सा और बहुत सारी बाकी की चीजें, उनके खिलाफ बिल्कुल मैं भी हूं। इससे हमारे जो न्यू जनरेशन है वो बर्बाद होने वाली है, हो रही है। तो इसके लिए मैं तुम्हारे साथ में हूं। अगर इसमें तुम आवाज उठाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में, और हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के जो बड़े सीनियर प्लेयर्स है वो भी तुम्हारे साथ 100% आएंगे। अच्छा ही काम है, बुरा नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से बात करना और इस तरीके से हमारे फिटनेस इंडस्ट्री को पूरे सोशल मीडिया के सामने लाना, ये गलत बात है। कुछ गलत लोग है, ठीक है ना, चलो है देखते, लेकिन उस पूरे एक दो लोगों के वजह से पूरी बॉडी बिल्डिंग तुम लोग खराब कर रहे हो, बर्बाद है करके बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पे ये सब रुकना चाहिए, है ना। कुछ लोगों ने यहां पे मुद्दा उठाया कि नहीं भाई यहां पे हिंदू मुस्लिम ये बातें सब चीजें होने वाली है। तो दोस्तों भाई मैं एक यही कहना चाहूंगा, ये जो महाराष्ट्र है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और उस भूमि में जन्मे हम छोटे से हम लोग अंश है, ठीक है ना। हम जातिवाद बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी उनमें आप देखेंगे तो उनके सेना में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, हर एक जाति धर्म का लोग थे, एक साथ लेके चलते थे। और उनके संस्कार पे चलने वाले हम लोग है भाई। जिन जिन लोगों ने मुझे वो मैसेज किया है, कमेंट किया है ना, उनके लिए मैं आंसर दे रहा हूँ। वो हमारे खून में नहीं है बाकी चीजें की तरह कुछ भी गलत बात करना, लोगों के वो भड़काना, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कमेंट भी बिल्कुल मत करना, है ना। लेकिन उसके आगे भी जाके अगर कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना, तो उसके खिलाफ उठने के लिए भी हमें उस संस्कार में सिखाया गया है, तो बिल्कुल वही करेंगे हम लोग। आने वाले टाइम में जो चीजें है वो बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग को कभी भी इसके बीच में मत घुसाओ। आपका जो भी कुछ पर्सनल रहेगा आपके पर्सनल लेवल पे रखो। और अभी जाते जाते एक बात कहूंगा, हमारे इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो हम लोगों ने काम चालू कर दिया है पूरी यूनिटी के लिए, हम लोग सब एक साथ आ रहे हैं। बाकी स्टेट वाइज जो लोग है वो भी सब एक साथ में आ जाओ। जब कभी आगे आने वाले बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ जो भी कुछ हो, कंपटीशन के अंदर हो, कंपटीशन के बाहर हो, उसके जॉब पे हो या फिर कोई अदर हो, अगर वो सच में उसके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है ना, तो पूरे हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए तुम लोग सब साथ में जुड़ो, कोई फेडरेशन, कोई ये कॉम्पिटिशन वो कॉम्पिटिशन ये नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर और फिटनेस। समझ में आया ना। तो दोस्तों यही बोलने के लिए यहाँ पे मैं आया था। मनोज तुझी स्वतःची काळजी घे, तुला ज्या ज्या ठिकाणी कुठे मदत लागेल त्या ठिकाणी मी आणि आमची पूर्ण सगळी टीम आहोत तुझ्या बरोबर, आपली पूर्ण बॉडी बिल्डिंग फॅमिली आहे तुझ्या सोबत। आणि साहिल को एक बात कहना चाहूंगा, दोस्त ये बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी हमारी बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से आती है, और क्या क्या करके वो कैसे कैसे लेवल तक पहुंचते हैं वो मुझे मालूम है, मैंने किया है। बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, दुख
इसके वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सबको सॉरी बोलना चाहिए, इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाना चाहिए और ये मैटर इधर ही क्लोज कर दो। अगर कुछ जरूरत पड़ी आपको लगा दोनों को भी, तो मुझे कभी भी आप कॉल करो, ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ये बात इधर ही स्टॉप करने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। मैंने आज यहाँ पे कमेंट सबकी पढ़ी नहीं है, फिर कभी लाइव जब आऊंगा तो इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, उसमें कुछ रहेंगी तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। संग्राम आला है क्या रे, इतने लाइव आए संग्राम? संग्राम आएगा इधर लाइव आएगा? संग्रामची रिक्वेस्ट दिसत नाही मित्रांनो, खूप सारे संग्राम नाही दिसत आहे मित्रांनो या ठिकाणी। ह्यामध्ये मला मनोज पण नाही दिसत आहे रे। ठीक आहे मित्रांनो, हाच एक विषय महत्त्वाचा होता, आपण या ठिकाणी बोललोय और चलो आगे क्या होता है देखते हैं आपण, है ना। सभी ध्यान रखो, वर्कआउट करो, फिट रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बॉडी बिल्डिंग। थैंक यू।